Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy Hai. Chapter number 20, Human Development in India ko aaj hum aage continue karne ke liye ja rahe hain. Dosto, aaj ki class mein hum ye sare ke sare chote chote topics aaj complete karenge, jisme aapka labor reform aa jayega, aapka health scenario aa jayega, housing for all bhi aa jayega aur social sector expenditures aa jayenge aur policy jo bhi suggestion policies hoti hain ye sari cheeze. Matlab sir aaj hume pura chapter complete kara doge? Ji haan dosto, kyunki ye sare chote chote topic hai, isliye aaj hi क्लास में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो टॉपिक हमारा लेबर रिफॉर्म. चलिए बात करते हैं अपने पास लेबर रिफॉर्म्स की. ये रहा, देखो. अच्छा, पहले ना आप छोटा सा बेस बनाओ, क्योंकि बेस बना के ना आपको चीजें जल्दी समझ आ जाएंगी. देखो, अगर हम अपने चैप्टर की बात करें तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, है ना. तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमने क्लास वन में क्या पढ़ा था कि हर वो चीज जो हमारी स्किल्स को, हमारी एबिलिटी को और हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे काम करने के तरीके को बढ़ाने की कोशिश करती है, हर वो चीज हमारे लिए क्या कहलाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाती है. दोस्तों, अब एक बात बताओ कि हमारे देश का जो लेबर है, अगर वो सही तरीके से काम करेगा तो क्या उसके अंदर रिफॉर्म्स आएंगे या नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे. दोस्तों, पता है कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी नहीं है कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में डायरेक्टली काम आए, बट इनडायरेक्टली एफिशिएंसी बढ़ाने में बड़ा काम आती है. जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज कब की है? अराउंड 13 नवंबर 2021 की. 13 नवंबर 2021 को क्या होता कि काशीनाथ में अभी कुछ टेम्पल वगैरह स्ट्रक्चर बनाया गया था और जो गंगा नदी है उसके सामने से बिल्कुल सीधी यात्रियों के लिए एक जगह बनाई गई थी, जिसमें सामने गंगा से मंदिर तक आने की जो दूरी होती है, 1.5 किलोमीटर की जो दूरी है, वो सीधी ट्रेवल कर पाया. पहले बहुत कंजेस्टेड जगह थी. तो यहाँ पर लेबरों ने जब ये काम किया, जानते हो क्या हुआ कि 13 नवंबर 2021 को जिन लेबरों ने उस काम को किया, उस मंदिर के रिनोवेशन में काम किया, और उसका उद्घाटन जब 13 नवंबर को मोदी जी ने किया, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं मंदिर के पुजारी से नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं मंदिर के उन लेबर से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, उस पूरे स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करने में जो योगदान दिया है, उन लेबरों से मिलना चाहता हूँ. दोस्तों, मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने लेबरों के ऊपर फूल बरसाए, उन्होंने लेबरों के बीच में बैठ के उनके साथ खाना खाया, उनके साथ फोटो क्लिक कराए, लेबर्स के बीच में जिन्होंने इस मंदिर को बनाया. देखो दोस्तों, ये चीजें लेबर की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाती है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बहुत बढ़ा देती है. जानते हो क्यों? क्योंकि जब इतना बड़ा आदमी आपके साथ बैठ के, आपके बराबर पर बैठ के खाना खा रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, मोदी जी ने इवन फूल की बरसात भी की थी अपने हाथों से ऐसे ऐसे फूल, जैसे नहीं जब शादी होती है मंडप में जब घूम रहे होते हैं, उस टाइप से इन्होंने लेबरों के ऊपर फूल बरसाए. ये क्या होता है? इससे लोगों का जो लेबर है उनका मोराल जो है वो इंक्रीज होता है, इससे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है. तो अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल पता क्यों दिया था, जैसे इसलिए कि आपको ये समझा सकूं कि इंडिया के अंदर लेबर रिफॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस कड़ी में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, कोई भी बात जो मैं बोलूँ उसको पॉलिटिकल एजेंडा से बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मेरे इस एग्जांपल में फिट हो रहा था तो मैं ले लेता हूँ. कभी आम आदमी पार्टी का लेता हूँ, कभी बीजेपी का लेता हूँ, कोई चीज कांग्रेस की अच्छी होती है वो लेता हूँ. फिलहाल मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैंने कभी लिया नहीं. बात समझ लो. चलिए बात करते हैं अब अपने पास लेबर रिफॉर्म की. थोड़ा सा बेस बना दिया, अब आपको चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी. देखो, लेबर रिफॉर्म में क्या लिखा है? द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज एंड डिफिकल्टी इन कंप्लाइंग विद हैव मीन ऑलवेज सिटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. अगर इंडिया के अंदर जो लेबर्स को लेकर हमने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं, लेबर को लेकर जो एक्ट्स बनाए हुए हैं, अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो लेबर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे में ये एंश्योर करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्या जो हमने लेबर्स के लिए एक्ट्स बनाए हैं क्या वो रियलिटी के अंदर बेनिफिशियरी हैं? पता चलता है कि हमने जैसे अप्रेंटिस एक्ट 1961 बनाया, इसी तरह से हमने ESI वगैरह बनाया, हमने कई सारे एक्ट्स बनाए, इवन कई सारे हमने प्रोग्राम और कैंपेन्स, हमने मतलब गवर्नमेंट ने ये सारे कैंपेन्स वगैरह चलाए, क्या रियलिटी के अंदर, ग्राउंड रियलिटी के अंदर क्या उसका बेनिफिट उन लोगों को पहुंच भी रहे जिसके लिए हमने ये सारी चीजें बनाई है? तो इन सब चीजों को इंश्योर करना ही हमारे लिए क्या कहलाता है? लेबर रिफॉर्म कहलाता है. दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दूं, लेबर रिफॉर्म का मतलब है कि अगर हमें देश को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स को भी डेवलप और स्किल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनके लिए प्रोग्राम्स वगैरह बनाती है, इनिशिएट वगैरह करती है, जिससे इनके अंदर की जो डेवलप और स्किल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होना यहाँ पर शुरू हो जाए. अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने इनको लेकर कौन कौन से इनिशिएट अपने पास लिए है. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है अप्रेंटिस एक्ट 1961. जब गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया तो दोस्तों इस एक्ट के अंदर सारी की सारी बातें लिख दी गई थी कि जैसे अप्रेंटिस में मिनिमम वेजेस आपको कितनी मिलेगी, कितने साल तक आपको कितनी वेजेस मिलेगी, ये सारी की सारी चीज इन्होंने पहले ही बना दी. तो बताओ, अगर हम किसी एक्ट को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो एक्ट के अनुसार चलती है, और जब एक्ट के अनुसार चलती है तो उसका बेनिफिट एक आम इंसान को पहुंचता है, बोले तो लेबर को पहुंचता है, और लेबर को फायदा पहुंचेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होकर क्या करेगा,
काम करेगा. तो वही लिखा हुआ है कि इसको दिसंबर 2014 के अंदर अमेंड किया गया था. इसमें कई सारी चीजें एड ऑन की गई थी, कई सारी चीजें डिलीट की गई थी जिससे यूथ को कोई दिक्कत ना आए. और इस स्कीम के अंदर जो एमएसएमई होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसको इनकरेज करने की बात बोली थी गवर्नमेंट. टाइम टू टाइम एमएसएमई की तो परिभाषा भी चेंज करते रहता है. जैसे इनकी डेफिनेशन होती है वो टर्नओवर और प्रॉफिट के हिसाब से भी होता है ना, उस डेफिनेशन को भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया जाता है. दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, श्रम सुविधा. अब ये श्रम सुविधा क्या है, ये एक पोर्टल है. आप चाहे तो आप अपने गूगल पे इसको टाइप करोगे ना श्रम सुविधा तो आपको मिल जाएगा. अब ये जो श्रम सुविधा है ये एक ऐसा पोर्टल है जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था रिड्रेसल और ग्रीवांस को लेकर. अच्छा, रिड्रेसल और ग्रीवांस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, लेट सपोज आपको किसी ने रखा और आपको प्रॉपर वेजेस नहीं मिली है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, सहायता मिलेगी. जैसे हम पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते, वैसे यहां भी आप कंप्लेंट कर सकते हो ऑनलाइन. कहां पर, श्रम सुविधा के अंदर आपको प्रॉपर यहां पर सुविधा मिलेगी. ये क्या करता है, आपको एक यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराता है जिसको LIN बोलते हैं. ये क्या करता है, इसके अंदर कई सारे लोग अपने आपको रजिस्टर्ड कराते हैं जिनका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास होता है. गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कितने लेबर किस जगह पर काम कर रहे हैं, उनको कितनी वेजेस यहां पर मिल रही है. टाइम टू टाइम इन चीजों को रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी पड़ती है और आपको ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी. मतलब आपको रिटर्न का मतलब होता है जो अपनी डिटेल्स वगैरह डेटा वगैरह होता है वो आप ऑनलाइन तरीके से आराम से दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और लेबर्स का प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन हो पाता है. और जब लेबर का प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट अच्छे से स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवा पाएगी. ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला, अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट पंचदीप. अब यहाँ पर क्या हुआ है, ESIC मतलब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. अब ये क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जो एम्प्लॉयज की सैलरी से कुछ डिडक्शन करता है और उतने बराबर की डिडक्शन आपका एम्प्लॉयर यानी जो मालिक है वो भी करेगा. और बाद में एक गुल्लक के अंदर ये डिपॉजिट हो जाएगा और ये गुल्लक आपकी रिटायरमेंट के टाइम पर ये गुल्लक फोड़ कर आपको दे दी जाएगी. मतलब आपको पैसा दे दिया जाएगा. जैसे मान लो मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, वहां पर मेरी सैलरी 10,000 रुपए, मेरा ESI कटता है 12%, यानी मेरी सैलरी 10,000 है तो 1200 रुपए मैं उस गुल्लक में डालूंगा, मुझे कट के सैलरी मिलेगी 8800. मेरी बात समझ रहे हो, और 1200 रुपए मेरे जो एम्प्लॉयर हुआ वो भी इतना ही मेरी गुल्लक में डालेगा, लेकिन एम्प्लॉयर का भी पैसा मुझे ही मिलेगा. तो अल्टीमेटली मेरे गुल्लक में 1200 + 1200 2400 रुपए पर मंथ क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, और ये साल भर डिपॉजिट होते रहेंगे, बकायदा मुझे ब्याज भी मिलेगा. इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज एक सिक्योरिटी हो जाती है फ्यूचर को लेकर, कि जब उसको जॉब छूटेगी या निकाला जाएगा तो इन दैट केस उसके पास एक लमसम मोटा अमाउंट होगा जिससे वो अपने घर खर्चे को चला सकता है. तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, लेबर को इंश्योर करने के लिए स्कीम चलाएगी जिसको नाम क्या बोलेगा, स्टेट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, इसमें इंश्योरेंस भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पेंशन की बात करो मैं. अच्छा, मैंने ना इसके बारे में बता दिया आपको, EPF के बारे में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में. दोस्तों आई एम रियली सॉरी, मैंने बोल ये दिया लेकिन पढ़ा मैंने आपको ये दिया. ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ इंश्योरेंस में क्या होता है, कि जैसे आपका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा वो भी नॉमिनल सी फीस के ऊपर है, जिससे क्या होगा आपकी लाइफ सिक्योर्ड हो जाएगी. कल को कुछ होता है तो आपको एक मुआवजे के तौर पर आपके घर वालों को ये पैसा दे दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थे उनको भी बेनिफिट पहुंचना यहाँ से शुरू हो गया. अच्छा, थोड़ा सा हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी यहाँ पर काम किया है. फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, उनके लिए क्या क्या, एक हमने स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था रक्षित्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना. ठीक है, इस योजना के तहत जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, यानी जिनको PF वगैरह का पैसा नहीं मिलता, ना उनका ESI की सुविधा मिलती है, तो इस एक्ट के तहत उनको क्या मिलेगा, थोड़ा सा पैसा मिलेगा और मैच्योरिटी के टाइम उनकी फैमिली वालों को एक क्या मिलेगा, लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा. क्योंकि हमारे यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर कोई भी ध्यान नहीं देता, जिसके चलते गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस स्कीम को यहाँ पर क्या क्या लॉन्च किया. दोस्तों अनऑर्गेनाइज वर्कर वो होते हैं जिन लोगों को ना तो PF की सुविधा मिलती है ना ESI की सुविधा मिलती है, सिर्फ उन्हें मोटी मोटी सैलरी मिल जाती है, जैसे दिहाड़ी पर काम करने वाले लेबर्स होते हैं. इसके बाद हमारे यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम खोला गया. इसके अंदर क्या होगा कि जो बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़े और उनको आसानी से क्या मिल पाए, जॉब मिल पाए. इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल वो है ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो आप इसमें एग्जाम्पल यूज कर सकते हो. नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, इसके अंदर क्या है, एक ऐसा पोर्टल बनाई जिसमें जितने लोगों को जॉब चाहिए उसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, फ्रेशर हो या जो भी हो वो उस पर डालो. इससे क्या होगा कि कल को कोई भी कंपनी जॉब के लिए हायरिंग करेगी तो इस पोर्टल पे जाके वो देख लेगी कि किस किस टाइप के कैंडिडेट अवेलेबल है और उसको किस किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए, और वो आपको क्या करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आप इंटरव्यू के टाइम पर वहां प्रेजेंट हो जाओ और अपना इंटरव्यू देकर आप अपनी जॉब को ले सकते हो. तो ये जॉब सीकर जो होते हैं ना, जो जॉब ढूंढते हैं, उनके लिए बनाया गया था नेशनल करियर सर्विस पोर्टल. ठीक है, इसके बाद
पेमेंट ऑफ बोनस। अच्छा, बोनस एक्ट जो है हमारा 2015 के अंदर इसमें अमेंडमेंट की गई थी। कहा यह जा रहा था कि पहले जो पेमेंट ऑफ बोनस है वो 10,000 रुपए की होगी, जिसको बढ़ा के 21,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर क्या कर दिया था। मतलब जो बोनस की जो सुविधा है वो पहले 10,000 रुपए तक की जो सैलरी होती है उनको मिलता था, लेकिन अब इस अमाउंट को बढ़ा के 21,000 कर दिया गया कि 21,000 रुपए पर मंथ भी अगर आपकी सैलरी है तो भी आपको यहाँ पर बोनस की जो सुविधा है वो यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कुल मिला के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को क्या किया गया, रीडिफाइन किया गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये सारे यहाँ पर क्या थे, हमारे पास तरीके थे जिनसे हम अपने लेबर्स की एफिशिएंसी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। बाकी ये पूरा स्टैटिक पोर्शन है, आपको इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने पास टाइम हो तो आप डेफिनेटली एक एक लाइन पढ़ सकते हो, बट मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा इस वजह से मैं इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मतलब ये जो स्टैटिक पोर्शन है इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जहाँ तक COVID-19 और लेबर रिफॉर्म्स की बात है, तो यहाँ पर क्या होता है, COVID-19 के टाइम पर लेबर्स को जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लेबर को प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पा रही थी, इवन उनका काम भी छूट गया था, ठेकेदारों ने काम करने से मना करवा दिया, जिसके से लोग माइग्रेशन करने लगे थे, शहरों से गांव की ओर दोबारा वापस जाने लगे थे, जिसके से गांव के अंदर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आई। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी लोगों को ये बोला कि आपको मिनिमम वेजेस जो है इतने टाइम पर आपको मिलेगी ही मिलेगी, जिससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो जो वापस जा रहे थे वो वापस से अपने शहर में आके इन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। इस चीज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर नेशनल फ्लोर वेजेस इंट्रोड्यूस किया। नेशनल फ्लोर वेजेस का मतलब होता है कि एक लिमिट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट हम आपको देंगे, जिससे आप हमारे यहाँ पर क्या रहो, टिके रहो। मिनिमम वेजेस आपको सपोर्ट पॉलिसी देंगे कि इतना मिनिमम वेजेस तो हम आपको देंगे। आपकी हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे, आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ESI की फैसिलिटी देंगे। तो इन सबके चलते जो COVID-19 में जो लेबर्स बाहर भाग रहे थे वो दोबारा से आने लगे, और लेबर्स के अंदर हमने क्या किया, एक मेजर रिफॉर्म किया। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स जो मैंने आपको बताए लिए गए, जिससे कि लेबर रिफॉर्म यहाँ पर किया जा सके। अब क्योंकि जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने पास ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, तो लेबर रिफॉर्म के अलावा भी हमारे पास हेल्थ सेक्टर पर भी इंप्रूवमेंट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सेक्टर ही अच्छा नहीं है तो लेबर रिफॉर्म कहां से होगा। देखो, लेबर रिफॉर्म में मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ हेल्थ पे फोकस करो, हर एक आस्पेक्ट पे फोकस करो, जिसमें से एक आस्पेक्ट क्या आता है, आपका हेल्थ आता है। अब हेल्थ को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। अच्छा, आपको पता होगा जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे, आपको याद है कि 2015 के अंदर लॉन्च किए गए थे 2030 एजेंडा बोलते हैं, क्योंकि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना था। उसके अंदर आपने देखा होगा जो 17 गोल है उसमें से एक ऐसा भी गोल था जहां पर गुड हेल्थ की बात की गई थी, वो गोल नंबर था 3, क्योंकि गोल नंबर 1 था नो पॉवर्टी, सेकंड था जीरो हंगर, और थर्ड था हमारे पास गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ में क्या था कि प्रमोट करना है हमें हेल्थ को, सेफ्टी मेजर्स लेने, किस तरह से पीपल के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जा सकती है, उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें से जो 12वां प्लान था, उस 12वें प्लान के अंदर हमने हेल्थ केयर को ही क्या किया था, हाईलाइट किया था। और पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया के अंदर कि हमने हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न हो गए थे कि हमने हेल्थ को लेकर एक प्रॉपर बजट बना दिया, फैमिली न्यूट्रिशन वाला बजट बना दिया। मतलब कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हो तो वहां पर डॉक्टर आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेगा और आपको बताएगा कि फैमिली में कितने बच्चे होने जरूरी है, फैमिली प्लानिंग होना जरूरी है, किस तरह से आप अपने बीमारियों से बच सकते हो, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत बोली जाएगी। अब क्या है, हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएट किए गए, जिसमें से एक इनिशिएट है, मतलब कई सारे इनिशिएट है, बट अभी क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बताता हूं, थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है बट बहुत काम की रिपोर्ट है। देखो, इंडियाज हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेट 2017, इन्होंने पहली बार ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डाली जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो कौन कौन सी डिसीज जो कि रिस्क फैक्टर के अंदर है, जो ज्यादातर स्टेट्स के अंदर फैली हुई, जो कि 1990 से लेकर 2016 तक चली, लेकिन आज की डेट में इसका क्या कर दिया गया, इलाज ढूंढ लिया गया, और किस तरह से हमने अपने यहाँ पर हेल्थ सेक्टर को यहाँ पर इम्प्रूव किया है। चलो मैं आपको और आगे पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला गया, सारी बातें यही बोलेगी कि 1990 के अंदर जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो आज जैसे 2022 के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई। दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस बुक में नहीं दे रखा बट मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। इवन यहाँ पर डॉक्टर्स को ये तक बोला गया था कि जो भी क्लाइंट आपके पास आता है, यानी जो भी पेशेंट आपके पास आता है, अगर उस पेशेंट को किसी भी तरह से मेंटली किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको साइकोलॉजिस्ट की भी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि उनका जो मेंटल मेंटल पीस है उसको एस्टैब्लिश किया जाए। अब मैं रिपीट कर रहा हूं पॉइंट को, मेरी बात को ध्यान से सुना, मेंटल पीस की बात कर रहा हूं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप बहुत अच्छा खाते पीते हो, लेकिन जब तक इंसान के दिमाग में जो है ना मेंटल पीस नहीं होगी तब तक वो काम को ढंग से कर ही नहीं सकता, जिस पर हम कभी नहीं ध्यान देते। अगर मेरे यहां पर कोई कट लग जाता है,
खून बहता है वो सबको दिखता है, लेकिन जो दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो कोई नहीं देख पाता। तो दिमाग के संतुलन होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये स्कीम गवर्नमेंट जो अस्पताल है उनके अंदर इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें डॉक्टर्स ने क्या किया, प्रॉपर काउंसलिंग की, इवन साइकोलॉजिस्ट भी अपॉइंट किए गए जो कि आपकी प्रॉपर इस तरह से काउंसलिंग करेगा, आपको ब्रेन को इस तरह से कर देगा कि आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर वही काम करोगे जो कि काम बिल्कुल सही होता है। तो ये सारी कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर चलाई गई थी। अब गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम्स है जो मेजरली पॉपुलर हुई थी और बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई थी, जिसमें से एक स्कीम आती है हेल्थ फॉर ऑल। इसमें क्या किया गया था, यहां पर अनाउंस किया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बनी थी, इसमें ये बोला गया था कि हेल्थ और वेलनेस ये दोनों की दोनों हर इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ जिसे बोलते हैं ना। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इस इनिशिएट को आगे बढ़ाया और एक आयुष्मान भारत को लॉन्च किया। आयुष्मान भारत का मतलब था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को जो प्राइमरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर क्या किया है, प्रोवाइड की जाए। इवन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत क्या बोला गया था कि उन सभी फैमिलीज को जिनके पास प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती, उन तक ये हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और 5 लाख रुपए तक का अगर उनके पास कोई भी मान के चलो कोई ऑपरेशन होना है 5 लाख रुपए तक का, तो यहाँ पर सरकार उनके लिए ये काम मुफ्त में करेगी, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हेल्थ केयर के अंदर 4 चीजों पर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने फोकस किया। वो 4 चीज, एक तो प्रिवेंटिव हो गया, एक आपका हेल्थ केयर हो गया, अच्छा प्रिवेंटिव हो गया, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक में आता है, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो गया, बिल्डिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और मिशन मोड इंटरवेंशंस हो गया। मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूं। देखिए सबसे पहले हमारे यहां पर आता है प्रिवेंशन हेल्थ केयर। अच्छा प्रिवेंशन हेल्थ केयर में क्या बोला गया, गवर्नमेंट सेज कि कोई बीमारी होती है तो हम होने ही क्यों दें, एक काम करते हैं अगर लोगों के अंदर हम अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च कर दें, लोगों को बताएं कि अगर आप प्रॉपर हाथ नहीं धोगे तो इससे क्या होगा कि जो जर्म्स आपके हाथों में लगे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे जिससे आपकी बीमारी होंगी, तो लोगों के अंदर एक जागरूकता अभियान लेकर आओ, जिस अभियान के तहत लोगों को ये बताया जाएगा कि उनको किन किन चीजों को करना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य के अंदर एक पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। इसके दूसरा गवर्नमेंट ने अभियान किया था हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी। देखो हेल्थ आज के में हर किसी के लिए जरूरी है, तो ऐसा ना हो कि हेल्थ केयर इतना ज्यादा कॉस्टली हो जाए कि कोई उसका बेनिफिट ही ना उठा पाए। तो हेल्थ केयर हमेशा क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल मतलब हर इंसान अपने यहां पर हेल्थ की जो चेकअप होती है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वो ले पाए और इतने सब्सिडाइज रेट पर मिले कि हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना क्या हो पाए, आसान हो पाए। तो ये 2 एलिमेंट हो गए, मैंने आपको बोला था 4 एलिमेंट थे। अब देखो थर्ड एलिमेंट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट अस्पतालों में होता है कि हमारे पास ये मशीन नहीं है वो मशीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हेल्थ केयर की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं खाली बिल्डिंग्स होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है कि आपके पास कितने डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सेस हैं, कि आपके पास इक्विपमेंट मॉडलर है या नहीं पता चले, ट्रेडिशनल सिस्टम से आप अपने यहाँ पर ये काम कर रहे हो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। मेडिकल मिशन मोड इंटरवेंशन, ये चौथा पॉइंट आ गया। इसके अंदर क्या हुआ, ये जो आयुष्मान भारत था इस अभियान के तहत क्या था कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि लोगों को ये बता रही थी कि आपके लिए चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, जैसे HIV/AIDS वगैरह, लोगों को अवेयर कराया गया। पोलियो ड्रॉप हो गया, HIV/AIDS हो गया, इनके लिए क्या होता, सरकार ने कैंपेन लॉन्च किए थे। कैंपेन किस तरह से किए थे, गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट चला दिए। जब एडवर्टाइजमेंट चलाया तो लोग जब टीवी देखते थे तो एडवर्टाइजमेंट देखते समय वो चीजों को जान जाते थे कि हाँ किन किन डिसीज से हम बच सकते हैं, किस किस तरह से हम डिसीज को टैकल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जिस तरह से अभियान चलाया उस तरह से गवर्नमेंट ने देखा कि जो ये इंटरवेंशन है ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ केयर के लिए ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उन्हें अच्छा पानी नहीं मिलेगा और प्रॉपर उनके यहाँ सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो महामारी है या जो बीमारियां हैं वो बढ़नी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन जिसके तहत क्या था, गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया था कि हर घर में शौचालय होने चाहिए, वो खेत खलिहान में बिल्कुल नहीं जाने चाहिए जिससे कि बीमारियों को वो अपने यहाँ पर दस्तक दें, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हर घर के अंदर एक एक शौचालय बनाने के पैसे तक दिए गए थे ताकि आप अपने घर में शौचालय यहाँ पर बना सके। और प्योर ड्रिंकिंग वाटर आपको यहाँ पर अवेलेबल करें, के लिए जल शक्ति को लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या किया था रूरल एरियाज के अंदर जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर है वो यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और जिस तरह से रेन होती है उसको किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है वो सारी चीजें यहां पर बताई। दोस्तों मेरी बातों को स्टोरी की तरह सुन लो, आपको ये सारी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने पास, क्योंकि चैप्टर हम पढ़े ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के देखो लेबर रिफॉर्म्स का होना भी जरूरी है, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स भी होने जरूरी है, उसी तरह से है हाउसिंग फॉर ऑल। क्योंकि देखो रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान जो है वो हमारी बेसिक बुनियाद के अंदर आता है। तो मोदी जी ने जब 2014 के अंदर
चुनाव लड़ रहे थे तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के क्या थे, चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने बोला था जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उस दिन मैं प्रॉपर्टी के रेट डाउन कर दूंगा, जिसकी वजह से हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर सकता है, उसके पास अफोर्डेबल प्राइस पर वो चीजों को खरीद सकता है, मतलब घरों को खरीद सकता है। और रियलिटी ऐसा हुआ कि जब से मोदी सरकार आई तब से जो घरों की कीमत जो आसमान छू रही थी वो धीरे धीरे करके नीचे आई और अब चीजें थोड़ी सी अफोर्डेबल हो गई। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन हाँ पहले के कंपेरिजन कांग्रेस सरकार में जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट थे अब वो डेफिनेटली धीरे से क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। तो ये हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम थी। अब ये क्या बोला है कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो था ये एक स्लोगन था गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा था 2022 तक हम अपनी दो स्कीम, और वो दो स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब ग्रामीण में और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में मतलब गांव में और शहरों में, ये दो स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके तहत क्या था, हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे, जहां भी वो रहेंगे उनको प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी दें, हाइजीन और हाउसिंग कंडीशन ये इंडिया में हम बेहतर बनाएंगे। और यही मेन मकसद था इन दोनों कैंपेन का, जिसके तहत हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडाइज रेट पर घर प्रोवाइड करेंगे, घर बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे, ताकि और बेसिकली अगर आप घर किसी सीनियर सिटीजन के नाम से लेते हो या किसी महिला के नाम से लेते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। दैट्स व्हाई आजकल लोग क्या करते हैं, जो घर खरीदते हैं प्लॉटिंग लेते हैं वो सीनियर सिटीजन के नाम से लेते हैं, या घर में जब कोई प्लॉट खरीदा जाता है तो वाइफ के नाम से लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो अमाउंट कम हो जाता है। और यहाँ पर हम बातों ही बातों में महिला सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ा देते हैं। तो हाउसिंग फॉर ऑल भी जो है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। देखिए सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर क्या होता है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए करना हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। आज हमें नहीं लगता कि वो एक्सपेंडिचर काम के, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, अब क्या हुआ, एक ऑटो रिक्शा के पीछे हमने एक चीज़ छपवा दी, वो क्या था कि अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो आपके बच्चे भी किसी दिन मेरी तरह ही ऑटो चलाते हुए मिलेंगे। ये स्लोगन मैंने एक ऑटो के ऊपर देखा और उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ पढ़ाई लिखाई हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। देखो ऑटो के पीछे वो चीज़ प्रिंट करवाने में कितने रुपये लगे, 100-200 रुपये लगे, लेकिन वो जहां जहां ऑटो जा रहा है उससे लोगों को एक अच्छी सीख जानने को मिल रही है। तो कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो गवर्नमेंट करती है जिनसे सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलने का काम करती है, बट वो रियलिटी में आपको लगता है इससे कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा, बट इनडायरेक्ट तरीके से वो बेनिफिट बहुत पहुंचाता है। चलो इसके एक पॉइंट को पढ़ते हैं। India's expenditure on social sector has not reflected a major increase trend during the past few years. पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा कि सरकार के द्वारा सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर वो धीरे धीरे क्या होता रहा है, डिक्लाइन होता रहा है, जिसको अब हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्योंकि जिस तरह से हमने अपनी अप्रोचेज बनाई है कि हम फ्यूचर टारगेट हमारे ये हैं, उस हिसाब से हमें इनके खर्चों को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसा मैं आपको बताता हूँ कि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट का कितना बजट होता है, ध्यान देना। देखो टोटल बजट की अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने 18-19 का डेटा दिया, तो इन्होंने का 60.72 लाख करोड़ रुपए हमने यहाँ पर स्पेंड किया, जो पिछले साल कितना था, 55.17 था। हमने इस लिमिट को यहाँ पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि जितना ज्यादा हम एक्सपेंडिचर करेंगे उतना हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं इसके अंदर किन किन चीजों पे खर्चा करोगे तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। देखो आप अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करोगे आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, आप अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करोगे आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ेगा। आप अपने इन्फॉर्मेशन के ऊपर पैसा खर्च करोगे, मतलब इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए जैसे इंटरनेट वगैरह उस पर पैसा खर्च करोगे आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। आप अपने माइग्रेशन पर पैसा खर्च करो, माइग्रेशन मतलब एक जैसे दूसरी जगह जाओगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिला, उस पर पैसा खर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब इन जो ऊपर अगर आप पैसा खर्च करते हो तो आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, देखो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट ने पहले के कंपेयर से इस बार एजुकेशन पर खर्चा ज्यादा किया। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इस पर खर्चा ज्यादा किया। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, इस पर खर्चा ज्यादा किया। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, वो भी खर्चा ज्यादा किया। तो यहाँ पर यही सारी बातें लिखी हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से अभियान के थ्रू किस पर ज्यादा पैसा खर्च किया। आपको ये पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बस मैंने आपको बता दी, बस आप सुनते रहो। ठीक है, जो चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट होती है, जब हमने बुक स्टार्ट की थी आपने एक चीज नोटिस की होगी, जहां जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं उसको बकायदा नोट्स बनाता हूँ और एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट जो चीज़ रियलिटी में इंपॉर्टेंट होती नहीं है उसको मैं बस ओवरव्यू आपको एक सर्फेस नॉलेज देकर आगे बढ़ाता हूँ। बिकॉज पता क्या होता है, अलग अलग राइटर एक चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते हैं जिसकी जरूरत नहीं फिर भी लिखते हैं, तो समझ लो थोड़ा सा राइटर का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हम उसको कवर करते हुए यहां पर चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास
पॉलिसी के सजेशंस को लेकर। दोस्तों पॉलिसी सजेशंस पढ़ने की अभी जरूरत नहीं, जानते क्यों? क्योंकि इसके बारे में जो हमारा चैप्टर नंबर 20 बना है ना, उसके अंदर एक एक टॉपिक अलग अलग से दे रखा है, वहां हम इसको डिटेल वर्जन के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हम इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, अपने पास स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, बट क्योंकि इसका जो मेन है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपके ये ना बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशू, इसमें बहुत चीजें हाईलाइट करके दे रखी हैं, तो मैं इसमें आपको वो चीजें करा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने अपने पास क्या किया, ये जो पूरा चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 20, ये हमारा पूरा कवर होता है। ये छोटे छोटे से टॉपिक थे, ये लेबर रिफॉर्म हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हाउसिंग फॉर ऑल हो गया, सोशियो सेक्टर एक्सपेंडिचर और पॉलिसी सजेशन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यस, हमने चैप्टर नंबर 20 सक्सेसफुली कर लिया। और जिस तरह से हमने ये मुहिम अपने पास स्टार्ट की थी कि हम इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है वो मुहिम धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है और हम अपने उस टारगेट को अचीव करने वाले हैं जो मैंने आपसे वादा किया था कि रमेश सिंह की इतनी मोटी बुक जो है ये मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इवन आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स इजी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आराम से उसे ज्वाइन कर लो और वहां फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, या कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो वहां पर आपको मिल जाती है। और वो सपना हमारा पूरा होने वाला है, हमने सक्सेसफुली 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब 21वां चैप्टर इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, फिर हम कह सकते हैं यस ये इतनी मोटी बुक हमने जो है एक एक पन्ना जो है हमने इसका क्या किया है, पढ़ा है, एक एक पेज, मतलब कोई भी चीज मैंने इसमें छुड़वाई नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।